गुड मॉर्निंग बच्चों बच्चों पिछले क्लास में हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कि गुडविल का कैलकुलेशन हम लोग कैसे करते हैं। गुडविल के कैलकुलेशन में हमने आपसे कहा था कि गुडविल के कैलकुलेशन के लिए हमारे पास थ्री मेथड्स हैं। फर्स्ट मेथड को हम लोग कहते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकेंड मेथड्स को हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड मेथड को क्या कहते हैं? कैपिटलाइजेशन। ओके, तो बेटा पिछले क्लास में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था वो किसके ऊपर डिस्कस किया था? एवरेज प्रॉफिट मेथड्स के ऊपर डिस्कस किया था, और हमने क्वेश्चंस भी करे थे एवरेज प्रॉफिट्स मेथड्स के। आज जो हम लोग डिस्कस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड का, और सुपर प्रॉफिट मेथड्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे कि सुपर प्रॉफिट मेथड्स क्या है और सुपर प्रॉफिट मेथड्स में हम लोग कैसे काम करेंगे, कैसे हम लोग गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। ओके, तो चलो बात करते हैं बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड्स के बारे में। सुपर प्रॉफिट मेथड्स होता क्या है? बड़े ध्यान से, बड़ा इजी है, कहीं कोई टफ नहीं है, बहुत आसान तरीके से देखना। सुपर प्रॉफिट मेथड क्या है बेटा? सुपर प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट। क्या कह रहा है? एक्सेस ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ओवर द नॉर्मल प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड बी सुपर प्रॉफिट। ओके बेटा जी, यहां पे क्लियर कह रहा है कि जो भी हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है और जो एक्सेस अमाउंट ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट है वो हमारा क्या कहलाता है? सुपर प्रॉफिट कहलाता है। सुपर प्रॉफिट को अगर हमको कैलकुलेट करना है तो सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने के लिए वी आर गोइंग टू फोर स्टेप्स, स्टेप वन, स्टेप टू, स्टेप थ्री एंड स्टेप फोर। फर्स्ट स्टेप, स्टेप वन, एकदम सिस्टमैटिक समझना बेटा। स्टेप वन दैट मीन्स की कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट, कैलकुलेट द एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ इयर्स। इस चीज को हमने पिछले मेथड्स में भी किया था। मैंने क्या बताया कि इन दिस मेथड वी आर कैलकुलेट स्टेप वन, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ इयर्स। ओके, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ इयर्स। हमने वहां पे टोटल प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट किया था? वन ईयर, टू ईयर, थ्री ईयर, फोर ईयर, फाइव ईयर्स का प्रॉफिट जो हम लोग को दिया गया हुआ था उस प्रॉफिट को हमने क्या किया? ऐड कर दिया। और जो लॉस है उस लॉस को हमने क्या किया? उसमें से माइनस कर दिया, डिडक्ट कर दिया। तो हमारा क्या निकल गया? टोटल प्रॉफिट निकल गया। और नंबर ऑफ ईयर दैट मींस कि कितने ईयर हैं उसे हम डिवाइड कर दें। चलिए सर, हमने एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लिया। ओके डन। अब हम बात करेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। अब हम किसकी बात करेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट की बात करेंगे। और ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या है जरा ध्यान से सुनिए। नॉर्मल प्रॉफिट दैट मीन्स कैपिटल इंप्लॉयड, ये जनरली क्वेश्चन में गिवन होता है बेटा। ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से भी होता है, कैपिटल इंप्लॉयड के भी नाम से होता है। कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नंबर, जो कैपिटल इंप्लॉयड में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। क्या बात करेंगे हम लोग? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इसको एनआरआर के भी नाम से जाना जाता है। नॉर्मल रेट, ये भी क्वेश्चंस में आपके गिवन होता है, डिवाइडेड टू। तो ध्यान से फिर से एक बार सुने, सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा? कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट। ये नॉर्मल प्रॉफिट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई करेंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड टू। चलिए सर, हम पहले स्टेप को देख लिए, हम सेकेंड स्टेप को देख लिया, अब आते हैं थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या कहता है? सुपर प्रॉफिट अब हमको निकालना है। सुपर प्रॉफिट के लिए जो बेटा फॉर्मूला होता है, एपी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एपी इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, और एनपी इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट, एनपी इज इक्वल टू नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम करेंगे क्या कि जब एवरेज प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट हम कैलकुलेट कर लेंगे तो इसमें से इसको एपी में से एनपी को क्या करेंगे? डिडक्ट कर देंगे। जब डिडक्ट करेंगे तो क्या निकल जाएगा हमारा? सुपर प्रॉफिट निकल जाएगा। अब इसके बाद लास्ट में क्या बात करेंगे? गुडविल कैलकुलेट करने की बेटा। तो ये जो सुपर प्रॉफिट निकलेगा उसमें हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ इयर्स परचेज, नंबर्स ऑफ
ईयर्स परचेज को हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, गुड भी निकल जाएगा। ये बेटा तरीका है, एक स्टेप्स है जिसके अकॉर्डिंग जो आप क्या करते हैं, सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं। आज हम लोग एक दो क्वेश्चंस करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड्स के, ध्यान से सुनेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए बात करते हैं। देखिए हम लोग देखते हैं, एक क्वेश्चंस को देखते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड्स के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस कहता है कि ये फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट थ्री इयर्स आर 5 लाख, 4 लाख एंड 6 लाख। ओके, तीन साल का फर्म्स का प्रॉफिट बेटा दिया हुआ है। द नॉर्मल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द इंडस्ट्री, नॉर्मल प्रॉफिट जो है हमारा अर्न्ड बाय द इंडस्ट्री इन विच द फर्म्स ऑपरेट्स आर 10% ऑफ द कैपिटल एम्प्लॉयड। कहने का क्या मतलब, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारा यहां पे गिवन है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, विच इज रुपीज 40 लाख। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ फॉर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको और हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर से एक बार समझते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले मैंने क्या बोला, आपको सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए स्टेप वाइज जाना है, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप बेटा था हमारा, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट फॉर्मूला क्या था, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर्स ऑफ इयर्स, यही था ना। अब क्वेश्चन देखिए, टोटल प्रॉफिट क्या कह रहा है, कह रहा है कि लास्ट थ्री इयर्स, लास्ट थ्री इयर्स का मतलब फर्स्ट ईयर 3 लाख, सेकेंड ईयर 4 लाख और थर्ड ईयर 6 लाख। अब तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा देख लीजिए, 6, 4, 10, 15। तो टोटल प्रॉफिट यहां पे हमारा कितना हो गया, 15 लाख डिवाइडेड नंबर्स ऑफ इयर्स हमारा कितना है बेटा, 3। नंबर ऑफ इयर्स हमारा कितना है, 3, 3 से डिवाइड कीजिए तो एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना निकलेगा, एकदम ध्यान से देखिएगा इसको। इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, कहता है कि 3 इयर्स का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या है, 3 इयर्स का प्रॉफिट आपको दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर 5 लाख, सेकेंड ईयर 6 लाख, थर्ड ईयर 4 लाख दिया हुआ है और 3 इयर्स है, हम लोगों ने क्या कैलकुलेट किया, एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने कैलकुलेट किया। तो एवरेज प्रॉफिट जब कैलकुलेट करेंगे तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर्स ऑफ इयर्स। अब यहां पर टोटल प्रॉफिट में हम लोग क्या करेंगे, 3 इयर्स के प्रॉफिट को हम लोग एड करेंगे, एड करके 3 से डिवाइड करेंगे, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 लाख हमारी वैल्यू क्या आ गई, एवरेज प्रॉफिट आ गया। ओके डन, चलिए आगे बात करते हैं। अब आप देखिए कि सेकंड जो स्टेप है उसमें हम लोगों को क्या करना है, चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। पहला स्टेप बेटा था एवरेज प्रॉफिट निकालने का, अब हम लोग क्या निकालेंगे, सेकंड स्टेप में क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। देखिए ध्यान से, सेकंड हमारा है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में मैंने क्या फॉर्मूला बताया, नॉर्मल प्रॉफिट बेटा मैंने आपको बताया कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये बात मैंने बताया। तो क्वेश्चंस में यहां पे कैपिटल एम्प्लॉयड बेटा दे रहा है 40 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड कितना दे रहा है 40 लाख इनटू, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, तो 10 डिवाइडेड 100, अब इसको हम लोग कैलकुलेट कर देंगे तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 4, ये वैल्यू हमारी आ गई। देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चन में क्या था, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड गिवन है क्वेश्चन में, ये हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन है, हमने क्या किया वैल्यू कैलकुलेट कर, ठीक है। अब आइए स्टेप 3,
स्टेप थ्री में क्या कहता है कि जब आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं और नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं तब आपको क्या निकालना होता है, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में मैंने क्या फॉर्मूला बताया, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना है, माइनस 4 लाख। वैल्यू कितनी हो गई, 1 लाख। सुपर प्रॉफिट बेटा कितना निकल गया हमारा, 1 लाख। अब क्या कैलकुलेट करेंगे, गुडविल, स्टेप 4। गुडविल में क्या करेंगे, सबसे पहले सुपर प्रॉफिट, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया, 1 लाख। क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारा कितना दे रहा है, 4। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दे रहा है, 4। चलिए 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 4 लाख। बेटा एक तरीका है क्या कैलकुलेट करने का, एक तरीका है हमारा कैलकुलेट करने का सुपर प्रॉफिट। ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार समझिएगा। सबसे पहला प्रोसेस हमारा क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हम करते हैं, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर्स ऑफ इयर्स। जो क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने टोटल प्रॉफिट लिया, नंबर ऑफ इयर्स को डिवाइड किया, हमारा क्या निकल गया, एवरेज प्रॉफिट निकल गया। सेकेंड हमारा है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट में हम लोग क्या करते हैं कि जो कैपिटल इंप्लॉयड हमारा होता है, इस कैपिटल इंप्लॉयड को नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाता है। देन सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करते हैं तो सुपर प्रॉफिट निकल जाता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट कर देते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, इससे आपका सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, किसी तरह का कोई डाउट आपके मन में नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एक क्वेश्चन है हमारे पास, उस क्वेश्चन में कहता है कि ये फर्म अर्न, ध्यान से सुनिएगा, ए फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द लास्ट 5 इयर्स, 5 इयर्स का बेटा दिया हुआ है हम लोगों को प्रॉफिट, 2012 7000, 2013 6500, 14 8000, 15 7500, 16 दिया हुआ है 6000, दिया हुआ 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 इयर्स का प्रॉफिट दिया हुआ है, इसके बाद कहता है कि कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म इज 40,000। ध्यान दीजिएगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मैंने पहले कहा कि कैपिटल इंप्लॉयड भी दिया हुआ होता है और कैपिटल इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ होता है। चलिए कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है। ए फेयर रेट ऑन कैपिटल इन सच टाइप ऑफ बिजनेस इज 12%, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेटा कितना दिया हुआ है, 12%। ओके, वेरी गुड, फाइंड आउट द गुडविल। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, 3। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है। चलिए कैलकुलेट करते हैं क्वेश्चन को। सबसे फर्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, स्टेप 1 एवरेज प्रॉफिट। अब शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा मैं लिख दे रहा हूं, शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूं एपी, एवरेज प्रॉफिट लिखिए। एवरेज प्रॉफिट का बेटा फॉर्मूला क्या हो गया, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर परचेज। ओके, टोटल प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 7000, 6500 टोटल को ऐड करेंगे, टोटल प्रॉफिट बेटा हमारा हो जाएगा 35000। 35000 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ ईयर कितना है, 5, तो वैल्यू हमारी कितनी निकल जाएगी, 7000। देखिए एकदम क्लियर,
टोटल प्रॉफिट हमने निकाल लिया कितना है 35,000 डिवाइडेड 5 इक्वल टू 7,000। टोटल प्रॉफिट को ऐड कर दिया 5 इयर्स के प्रॉफिट को और जो नंबर ऑफ ईयर परचेज हमारे पास 5 है उसे हमने उसको क्या किया डिवाइड कर दिया। चलिए अब आते हैं स्टेप टू। स्टेप टू में हम लोग क्या करना है नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो इसको हम लोग एमपी भी लिख सकते हैं। नॉर्मल प्रॉफिट को एमपी लिखते हैं। एमपी हम लोग जब निकालेंगे तो इसका बेटा फॉर्मूला क्या हो जाता है एक बार मैं फॉर्मूला आपको याद करने के लिए लिखा दे रहा हूं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल इंप्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड 100। ध्यान से देखिएगा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड 100। अब इसके बाद क्या करेंगे क्वेश्चन में देखते हैं हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है। ना ध्यान से देखिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट मैंने आपको दिया हुआ है 40,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है 12 डिवाइडेड 100। वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितना वैल्यू हमारा आ जाएगा 4,800। वैल्यू बेटा हमारी आ जाएगी 4,800। ओके वेरी गुड। चलिए थर्ड अब क्या निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं एसपी लिख सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना वैल्यू हो जाएगा 7,000 हमने कैलकुलेट किया हुआ है माइनस 4,800। वैल्यू निकाल दीजिए कितना वैल्यू आ जाएगा 2,200। ओके नाउ लास्ट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बेटा कैसे निकालेंगे सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सुपर प्रॉफिट हमारा कितना निकल गया 2,200। क्वेश्चन में देखते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है। नंबर ऑफ ईयर परचेज बेटा दिया हुआ है 3 कितना वैल्यू हो जाएगा। तो कहीं से किसी तरह का कोई डाउट नहीं है सुपर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने में। हमने आपको एकदम क्लियर बताया कि सबसे पहला प्रोसेस सुपर प्रॉफिट के लिए क्या होगा हम लोग एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देन क्या निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड नंबर ऑफ ईयर परचेज। जो टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में होगा उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर से हमारा निकल जाएगा। सेकंड बेटा क्या होगा नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालेंगे कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड 100 कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड हमारा क्या होगा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट में क्या करेंगे एपी और एनपी तीनों दोनों को एड करके हम कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम लोग क्या निकालेंगे गुडविल और गुडविल निकालेंगे इसमें क्या करेंगे सुपर प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। बेटा ये कॉन्सेप्ट हमारा है सुपर प्रॉफिट। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया गुडविल में एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड का कैलकुलेशन कैसे करते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड को आप लोग भी थोड़ा स्टडी करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको स्टडी करेंगे और देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड होता क्या है और इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड के दो मेथड होते हैं। कैपिटलाइजेशन में एक एवरेज प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टू और एक सुपर प्रॉफिट के अकॉर्डिंग टू इस दोनों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे समझेंगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।